हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोन से लॉक स्क्रीन मैसेज, नोटिफिकेशन ये सब बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे मैसेजेस को हम कैसे बंद कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। So, यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लॉक स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज वगैरह, उसे हम कैसे बंद कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी व्हाट्सएप का या फिर फेसबुक मैसेंजर का कोई भी मैसेज आता है या फिर कोई भी मैसेज आता है तो हमारा जो लॉक फोन होता है उसके ऊपर में वो दिखाई देते रहता है, जिससे अगर बाद में कोई भी हमारा फोन अगर ले लेता है तो वो सारे के सारे मैसेजेस और सारे चीज़ें रीड कर सकता है। तो इसे बंद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे आ जाइए और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा। इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है इस बटन पे। और जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपका जो ये सेटिंग है वो सारे एप्स के लिए अप्लाई हो जाएगा और किसी भी एप्स का जो नोटिफिकेशन है या फिर OTP, मैसेज, ये सब आपके लॉक स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। जब आप अपने फ़ोन का लॉक खोलेंगे तब आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन मैसेज को बंद कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं।